दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जियो यहां पर हम लोग को बहुत अच्छा प्लान यहां पर प्रोवाइड करता है, बहुत सस्ते में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डाटा देता है और लिमिटेड कॉलिंग भी देता है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर अपना जियो ने न्यू यहां पर सर्विस इंट्रोड्यूस करा दी जो कि गीगा फाइबर सर्विस है, तो उसको ही लेकर मैं कुछ अपडेट देने वाला हूं, बताने वाला हूं कि जियो कंपनी अब डिवाइड हो चुकी है। मतलब कंपनी पहले एक थी लेकिन अब आपको यहां पर दो जियो कंपनियां देखने को मिलने वाली है। और क्या आपको अपना सिम पोर्ट करना पड़ेगा या न्यू सिम भी कोई का आने वाला है, तो जाने के लिए वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर रिलायंस जियो की, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जियो यहाँ पर अभी सिर्फ एक कंपनी है जो कि यहाँ पर आपका गीगा फाइबर सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ आपको सिम और टावर का जो भी यहाँ पर हैंडलिंग होती है वो यहाँ पर अभी जियो करती है। मतलब आपको सिम भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है, एक कंपनी यहाँ पर दो काम कर रही है, गीगा फाइबर सर्विस भी आपको यहाँ पर दे रही है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर अभी कुछ समय ही पहले जियो की मीटिंग हुई जिसमें कि उन्होंने बताया है कि अब जियो कंपनी को वो अलग अलग करने जा रहे हैं, मतलब एक सेक्शन टाइप का बना देंगे। मतलब गीगा फाइबर वाले जो भी उनका जो होगा वो अलग यहाँ पर यूज, उनका जो भी वर्क होगा वो अलग जगह होगा, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो जियो का जो सिम जो टावर से रिलेटेड काम है वो यहाँ पर अलग होगा। तो मतलब वो जियो रहने वाला एक ही है लेकिन उनके जो उनके वर्क है गीगा फाइबर और यहाँ पर आपका जो सिम आपको मिलता है उनका जो टावर्स यहाँ पर है वो अलग यहाँ पर वर्क होने वाला है। तो ये अभी मीटिंग में अनाउंस किया गया क्योंकि अभी जियो खाली एक ही काम करता था, एक ही कंपनी थी जिसमें कि गीगा फाइबर भी वो यहाँ पर अपनी सर्विस प्रोवाइड कराते थे, साथ ही साथ वो अपना सिम भी यहाँ पर टावर्स वाला भी उनको यहाँ पर वर्क करना पड़ता था, तो सिर्फ एक कंपनी यहाँ पर करती थी। लेकिन अब वो डिवाइड होकर वर्क करेंगे जिसके ये डिवाइड हो जाने के बाद आपको और इजीली सर्विस यहाँ पर दोनों ही प्रोवाइड हो पाएंगी, चाहे वो गीगा फाइबर सर्विस हो या फिर आपका जो सिम होता है या जो टावर्स उनके हैं वो सर्विस हो। तो आपको काफ़ी बड़ा अपडेट अगर मैं कहा जाऊँ तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट है कि जियो यहाँ पर अब यहाँ पर अलग अलग कंपनी बनाने वाला है, मतलब अपनी दो कंपनियों में वो डिवाइड करने वाला है। और ऐसा ही जियो ही नहीं कर रहा, ऐसे और भी यहाँ पर कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनी है जो कि अपना ब्रॉडबैंड सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड कर। सो दोस्तों बस यहाँ पर इतना ही अपडेट आ रहा है जियो की तरफ से कि जियो यहाँ पर अब दो कंपनियों के मतलब बंटवारे के साथ यहाँ पर वर्क करेगी। है एक ही कंपनी है लेकिन अब अलग अलग वर्क यहाँ पर हैंडल क्या करेगी। एक गीगा फाइबर का जो सेक्शन है वो अलग हुआ करेगा, साथ ही साथ उनका जो सिम और जो टावर से रिलेटेड है वो अलग हुआ करेगा। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा आप बताता हूँ कि कोई सिम विम का भी कोई झाम है तो ऐसा कुछ ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझेंगे कि जियो डिवाइड हुआ है तो कहीं मेरे को सिम नंबर तो पोर्ट नहीं कराना, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, वो अपना यहाँ पर मीटिंग में ही उन्होंने यहाँ पर अनाउंस किया है कि वो अब यहाँ पर अलग अलग सेक्शन के हिसाब से यहाँ पर वो वर्क करेंगे। दोस्तों आपके अपडेट कैसा लगा और आपका क्या कहना है वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि मैं इस उदाहरण टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।